असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राजमहल विधानसभा के उधवा हाई स्कूल मैदान में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, ये सब घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठियों की गोद में जाकर बैठ गई है, हम सब एक रहेंगे तो कोई माइका लाल हमको नहीं हरा सकता। आप अनंत ओझा को नहीं नरेंद्र मोदी को जिताकर भेजेंगे। हमारी सरकार बनी तो रोटी बेटी और माटी का काम करेंगे। हिंदुत्व का चेहरा हिमंता बिस्वा सरमा को सुनने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे। उनका भाषण लोगों में जोश भरने का काम कर गया। भाषण के बाद हिमंता बिस्वा सरमा उधवा से राधानगर तक रोड शो किया। पूरे रास्ते में भारत माता की जय के नारे लगते रहे। साहिबगंज से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। ये अगर जेएमएम का सरकार आए, आप लोगों का बेटी बहू का ऊपर अत्याचार होगा, क्या ये सरकार हमें बसाएगा? क्या ये सरकार हमें बसाएगा? ये बात मेरा दिमाग में आए, तब मैंने देखा कि क्यों ये जेएमएम का सरकार हमारा बात तो हमने छोड़ दिया। कोई ओबीसी, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई ओबीसी, कोई शेड्यूल कास्ट, कोई हम तो न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन आदिवासियों को न्याय क्यों नहीं मिला? फिर मैंने कागज देखा, साहिबगंज जिले में 1951 में 20% मुसलमान थे, आज हमारे 2011 में साहेबगंज जिला में मुसलमान 35% हुए, मतलब आधा होने से खाली 15% बाकी है। और पाकुड़ में 1951 में मुसलमान परसेंटेज 20 थे और पाकुड़ में भी 37% हो चुका है। हिंदू का बेटी रोटी माटी बचाना है, अनंत ओझा को जिताना है। भाजपा का सरकार कायम होगा तो एक माहौल दूसरा हो जाएगा। हिंदू जाति को ये समझना पड़ेगा कि लोगों को किस तरह से सरकार भ्रमित कर रही है। हेमंत सोरेन जो कर रहे हैं वो उसमें लोगों के बहुत ज़्यादा गलत है। युवा साथी जो बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर ये चीज़ उन लोग समझ लेंगे कि हाँ हमारे झारखंड में ना बेटी का कोई इज्जत रहा, ना युवा भाई लोग का कोई इज्जत रहा, हम लोग यही सारी जनता से ये निवेदन करेंगे कि अनंत भैया को वोट दे करके आप घर घर जाएंगे? जी बिल्कुल जाते हैं, हम लोग बिल्कुल जगाएंगे। हेमंता बिस्वा सरमा आए, कैसा ऊर्जा दिए आप लोगों ने? हम लोग में ऊर्जा का पूरी तरह से प्रवाह हो गया है। जो भी छोटी मोटी आशंका भी लोगों के मन में थी, वैसे तो हम राजमहल पहले भी जीत रहे थे, इस बार पिछले बार से ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से हम लोग जीतेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास हमारे मन में जगा है आज की जनसभा के बाद। लोगों के बीच जाके क्या संदेश देंगे? लोगों के बीच जाकर हम यही संदेश देंगे कि झारखंड में विकास की जो गति थोड़ी बहुत अवरुद्ध हुई है उसको बढ़ाने में अपना योगदान दें, पूर्ण रूप से फूल में वोट डालें और झारखंड के विकास की धारा को आगे बढ़ाएं। हेमंता जी आए हैं, क्या मैसेज दिया? एक रहेंगे, अनेक बचेंगे, नहीं बटेंगे। कैसे देंगे वोट लोगों को, कैसे वोट दिलवाएंगे? जागृत करके, हाँ। कि आए हैं तो बता के गए हैं कि ये घुसखोरी का देश नहीं है, अपना देश है। तो चलिए वोट आप दिलवाएंगे।